हेलो हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का दिन है बुधवार और अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसलिए ब्लॉग को हम लोग एंड तक देखते रहिए। हे गाइस, तो मेरा दिन का शुरुआत जो है 5:30 को होती है और 5:30 को होने के बाद जो है मैं फ्रेश वगैरह हो जाती हूँ। उसके बाद सोनू के लिए मैंने टिफिन वगैरह रेडी कर देती हूँ। तो ये सब करते करते जो है मुझे 30 मिनट लग जाते हैं और अभी आप लोग देख ही सकते हो 6 AM के करीब टाइम हो गया था और सोनू को भी मैंने उठा दिया था क्योंकि उसका जो है स्कूल बस 6:20 को आ जाते हैं। तो सोनू जब तक ब्रश वगैरह कर रहे हैं यहाँ पर, मैं उसके लिए दूध बॉर्नविटा रेडी कर दूँगी। तो सुबह सुबह जो है वो दूध बॉर्नविटा पीते हैं और उसके साथ बिस्किट वगैरह लेते हैं। और अभी ना थोड़ा सा ठंड ठंड लग रहा है तो अभी तक जो है वुलन क्लॉथ मैं नहीं पहना रही हूँ, तो 2-4 दिन के बाद लगता है कि पहनाना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए सोनू का जो है टिफिन वगैरह मैंने पैक कर दिया था और स्कूल का जो बुक्स वगैरह है सब कुछ मैं रात को ही अरेंज करके रख देती हूँ, नहीं तो सुबह उठ के जो है बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ बाहर ढूंढना पड़ता है। इसके लिए जो है डेली रात को मैं ऐसा करके रखती हूँ, स्कूल का बैग वगैरह पैक कर देती हूँ और साथ ही साथ यूनिफॉर्म वगैरह जो है सब कुछ मैं रेडी करके ही रखती हूँ। तो अभी चलिए फटाफट इसको मैं रेडी कर दूँगी और उसको बस पे छोड़ के आने के बाद जो है मुझे लंच का प्रिपरेशन करना है। आप लोगों को तो पता ही है, जो लोग मेरा डेली व्लॉग देखते हो उन लोगों को, तो मुझे 8 बजे के करीब जो है लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही रेडी करना पड़ता है। और सुबह सुबह ना ये थोड़ा सा नखरा भी करते हैं रेडी होने में, तो मैं इसे फटाफट कर रही थी रेडी, तो कभी कभार जो है सो भी जाते हैं तो ठीक तरह से जो है सुबह सुबह बच्चे का नींद भी नहीं पूरा होता है ना, तो बहुत जल्दी उठना पड़ता है इसीलिए। तो अभी देखिए उसको मैंने रेडी कर दिया था और ये क्रीम लगाने में जो है बहुत ही नखरा करते हैं, तो आप लोग देख ही सकते हो इधर उधर हिल रहा था। तो बोल रहा था कि मैम मुझे नहीं लगाना है, तो पता नहीं ऐसा क्यों करता है। तो चलिए उसको मैंने रेडी कर दिया है, फिर छोड़ के आ जाती हूँ, फिर जो है आप लोगों से बातें करती हूँ। तो अभी जो है 7 AM के करीब टाइम हो गया था और सोनू को छोड़ने के बाद जो है मैं थोड़ा सा वर्क करके आई हूँ और आने के टाइम जो है ये फिश लेके आए थे मैंने, रोहू फिश। तो आज जो है मैं फिश करी बनाऊंगी परवल और आलू देके। तो चलिए पहले जो है फिश को फ्राई कर लेते हैं और राइस जो एक साइड मैंने बिठा दिया था, तो आज फिश करी बनेगा और उसके साथ मैं आलू चोखा बनाऊँगी और साथ में जो है चटनी बनाऊँगी। तो देखिए फिश फ्राई जो है ऑलमोस्ट मेरा हो ही गया था और अभी इसी ऑयल पर जो है मैं परवल और आलू फ्राई करने के लिए रख दूंगी। तो थोड़ा सा ही ऑयल बचा था तो इसमें फ्राई हो जाएगा और ये जब हल्का सा ब्राउन कलर हो जाएगा तो इसमें हम ऑनियन और टमाटो ऐड कर देंगे। तो आज जो है थोड़ा सा अलग टाइप से बना रही हूँ, आप लोग चाहो तो परवल और आलू को जो है पहले फ्राई कर लेना, उसके बाद ऑयल देके जो है ऑनियन और ये टमाटो वगैरह ऐड कर सकते हो, बट मैंने एक साथ ही कर दिया था। और अभी जो है 1 एकड़ की बेसिक मसाला भी मैंने ऐड कर दिया है और देखिए यहाँ पर पानी ऐड कर दिया था। तो अभी देखिए बॉइल्ड भी हो गया था आलू, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो आलू और परवल बॉइल्ड होने के बाद यहाँ पर मैं फिश ऐड कर दूंगी। तो तीनों के लिए जो है तीनों ही मैंने दिया था क्योंकि रात को जो है हम लोग फिश नहीं खाते हैं, तो रोटी के साथ जो है फिश खाने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है इसीलिए। तो देखिए खाना तो बन के रेडी हो गया था बट सुबह सुबह ना मेरा बहुत नुकसान हो गया है, तो मसाला जब पीसने गई थी तो देखिए इसका जो है ब्लेड ही टूट गया था। तो ये देखिए आधा जो है टूट गया है, तो बहुत ज़ोर से आवाज़ किया था बट मुझे पहले जो है पता ही नहीं चला, बाद में देखा कि ये टूट गया है तो इसको जो है ठीक करना है। और देखिए काप भी टूट गया था, तो ये नया काप ही मैं खरीद के लेके आई थी, बुरा लग रहा है काप के लिए जो है। और अभी देखिए 12:20 के करीब टाइम हो गया था, तो सोनू स्कूल से आ गया था घर पर और इसको मैंने फिर नहला के खाना खिला रही थी। तो देखिए आज जो है मैं तो बोल रही थी आप लोगों को खाने में क्या है, तो देखिए राइस से आलू चोखा और उसके साथ परवल आलू का जो है फिश करी है और चटनी बनाई थी। हे
गाइस, तो अभी जो है 2:30 के करीब टाइम हो गया था और हम दोनों का खाना हो गया था। और खाना खाने के बाद जो है किचन वगैरह भी क्लीन किया था और साथ ही साथ बर्तन वगैरह भी वॉश किया था। तो ये सब करते करते ही इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। अभी जो है सोनू को सुलाना है, तो वे डेली इस टाइम सो भी जाते हैं, तो सुबह जल्दी उठते हैं इसीलिए। और अभी सोएगा, फिर जो है एकदम शाम के टाइम उठेगा। तो चलिए अभी मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक।